के दौरान आपने डिप्रेशन बढ़ने की कई स्टडीज देखी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन बिहार के जहानाबाद में कुछ युवाओं ने इस मुसीबत को अवसर में बदल दिया। उन्होंने एक रचनात्मक अभियान छेड़ा और कई गांव में पौध लगा दिए। लॉकडाउन के दौरान चारों तरफ जब उदासियां पसरी हुई थी, लोगों में एक खीज सी पैदा हो रही थी। जहानाबाद के कल्पा खुर्द गांव के युवाओं की ये टोली धरती में हरियाली बो रही थी, अपने आसपास के गांवों में पौधे रोप रही थी, नर्सरी तैयार कर रही थी। लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग बिल्कुल गांव में कैद हो चुके थे, घर में महामारी में वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और उस पीरियड में सोचे कुछ ऐसा करें जिससे समाज का भी उत्थान हो, बेहतर हो पर्यावरण के लिए। 40 युवाओं की ये टीम खाली पड़ी सरकारी जमीन, सड़क किनारे, तालाब और पोखरों के किनारे अब तक 3,500 से ज्यादा पौधे रोप चुकी है। इनमें से ज्यादातर युवा वो हैं जो कि बड़े शहरों में नौकरी करते थे और लॉकडाउन में घर आए। इन्होंने स्थानीय स्कूली छात्र छात्राओं को जोड़ा और देखते ही देखते चुपचाप एक रचनात्मक आंदोलन खड़ा हो गया। हमें लगा कि अगर हम लोग जितना पेड़ लगा सकते हैं, हम लोग जितना पेड़ लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा ये इन अ राइट वे, और हम लोग फिर जितना ज्यादा ग्रीनरी फैला सकते हैं। खास बात यह है कि इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर बीज इकट्ठा किए और अपनी नर्सरी बनाई। अब जब इस नर्सरी में पौधे होने लगे तो उन्होंने उन पौधों को गांव-गांव में जाकर रोपना शुरू कर दिया। खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो जहानाबाद के युवाओं से सीखिए कौन सा काम करना है। सुबह 7:30 बजे वाह क्रिकेट।